हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आज आपका स्वागत करता हूँ माय प्लांट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अपना बालकनी गार्डनिंग बनाया दोस्तों, जैसे कि टेरिस के ऊपर। दोस्तों आप भी ऐसे बना सकते हैं। कैसे मैंने इसको डेवलप किया है मैं आपको पूरी वीडियो मैं दिखाऊँगा, आप मेरी पूरी वीडियो देखें। दोस्तों ये देखें कि मैंने यहाँ पे जो अपने गार्डन के अंदर एक अलग लुक देने के लिए अभी तो मैंने ये लगाए हैं। देखें पब्स जो हमारे पैर होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, ये देखें ये, और ये थोड़े से बड़े बच्चे, ये थोड़ा सा छोटा साइज में बनाया है, आप बना सकते हैं अपने बेबी के। और इधर मैंने एक डॉग के बनाए हुए हैं चार दोस्तों। और क्या है कि ये जो बनाया है मैंने बेस्ट पत्थर जो होते हैं हमारे उनसे बनाया है, जो हमारे सैंड यानी कि रेत से निकलते हैं। यहाँ हमारे पास बिल्डिंग बन रही थी तो वहाँ से निकले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक अलग अपने गार्डन को लुक दी जाए। ये मेरा एक सर्कुलर प्लांट है, उसके आसपास रख दिए हैं कलरफुल पत्थर, ये देखें। ये पीछे की तरफ मैंने डेजी के लगाए हुए हैं कुछ ऐसे अलग अलग तरीके से, और इसको मैंने एक अलग गार्डन की लुक दे दी है। अब आप ऐसा छोटा सा बना के अपने टेरेस के ऊपर बालकनी गार्डन बना सकते हैं दोस्तों। की पूरी जानकारी लेने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें। और जो मैंने बनाया इसको इस बेस पर देखें आप। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, इस ऐसे पत्थर ले लेने हैं अलग अलग तरह के जो कि हमारे पास हैं रखे हुए। एक पत्थर ऐसे रखें, वो आपने आइडिया अपने दिमाग से लगाना है कैसे रखने हैं। एक थोड़ा सा पीछे और एक थोड़ा सा आगे की तरफ फुट पर, और थोड़े से छोटे छोटे पत्थर हैं वो ऐसे ले लें दोस्तों, ऐसे इसको साथ साथ रखें ऐसे और ऐसे। ये तो हमारे हो गई हैं उंगलियां, और इसी तरह इस वाले पत्थर से करना है हमने ऐसे और ऐसे। ये पत्थर जैसे आपको अच्छे लगे हैं उस इस आकार के ले सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं तो इसको कलर भी कर सकते हैं। और अब जो दूसरा पत्थर है देखें आप इसको कैसे लेना है, इसको यहाँ से हटा दूंगा अभी मैं कुछ देर के लिए। और ये अभी जो गोल वाले पत्थर हैं, जैसे कि आप इसके साथ एक डिफरेंट करना चाहते हैं तो ऐसे रखें, इसके साथ भी ऐसे तीन लगा दें दोस्तों ऐसे और ये दोस्तों अलग तरह का एक देख सकते हैं आप हो चुका है। और इसके अलावा और भी हैं, आप अगर थोड़ा सा बड़ा बड़े साइज में पत्थर लेना चाहते हैं तो आप बड़े ले सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं अगर आप कलर करना चाहते हैं स्किन कलर तो आप स्किन कलर कर लें इसके साथ, तो इसकी जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बेटर नज़र आएगी। अगर नहीं करते हैं तो आपको जो आपके घर में कोई भी इंसान आता है तो आपको उसको नज़र आएगी कि ये देखें कि कैसे बेस्ट पत्थरों के साथ आपने कितनी सुंदर और अच्छी कलाकारी की है दोस्तों। ऐसे, ऐसे। दोस्तों और क्या कर सकते हैं आप, जो छोटे छोटे पत्थर हैं जैसे कि आपके घर में जो सर्कुलेटन प्लांट होते हैं ऐसे, आप इसको ऐसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से डेकोरेट कर सकते हैं।